मध्य प्रदेश के सिरोन से खबर आ रही है, जहां सुबह दो अमृत सरोवर तालाब फूटने की खबर मिली। ये तालाब बीती रात हुई बारिश के बाद फूट गए। सिरोंज तहसील के ग्राम पंचायत सरेखो में तीन अमृत सरोवर बनाए गए थे, जिनमें से दो अमृत सरोवर रात में फूट गए। वाटर शेड योजना के तहत निर्माण कार्य हुआ था। सरेखो पंचायत में वाटर शेड योजना के तहत 85 लाख रुपये से काम हुआ है। आपको बता दें कि सरेखो के सरपंच अनिल यादव देश के सबसे कम उम्र के सरपंच हैं। जल संरचना के लिए उनके काम की काफी सराहना हुई। इसे देखने के लिए इंदौर IIM के छात्र और दिल्ली से टीमें आई थी। वाटर शेड योजना के इंजीनियर गोस्वामी ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण तालाब ओवरफ्लो और क्षतिग्रस्त हो गया है। अमृत सरोवर योजना के एक तालाब की लागत 15 लाख रुपए से अधिक है। ये दोनों तालाब करीब 40 लाख की लागत से बने हैं। अब करीब 20 लाख की कीमत का तालाब पानी का दबाव नहीं झेल सकता, तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सिरोंज से अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। इसमें मेरी अभी CEO से भी चर्चा हुई, CEO जनपद पंचायत से, और बताया जा रहा है कि वहाँ रात को बारिश के उपरांत दो अमृत सरोवर फूट चुके हैं। हालांकि उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हमारी संबंधित सचिव GRS और सरपंच साहब से भी बात हुई तो कोई भी हानि नहीं है, परंतु ये गुणवत्ता पर निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तो उसकी जाँच होगी। और हम आज ही CEO को मैंने निर्देशित किया है कि संबंधित इंजीनियर जिसने इसको मॉनिटर किया था उनको नोटिस जारी करें, और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। जांच करा, ये पता चला है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी है और बांध टूटा है, फसलें खराब हुई है किसानों की, तो हम उसकी जांच कराएंगे। उसमें जो दोषी है उसको कार्रवाई, पहले तो हम जांच कराएंगे प्राथमिक स्तर पर और फिर उसे उच्च स्तर पर भेजेंगे। अगर उसमें जाँच में कमी आती है तो हम उच्च स्तर के अधिकारी, देखो उसमें हार्टिंग और ये कैसिंग के माध्यम से ये मटेरियल लगता है उसमें, और कंपैक्शन वगैरह की व्यवस्था रहती है, यही रहता है। लगभग पार में क्या क्या डाला जाता है जो मटेरियल जो पार बनाई जाती है डैम की? उसमें हार्टिंग काली मिट्टी रहती है, कंपैक्शन दिया जाता है उसका अच्छे तरीके से, और जो ऊपर से उसको कैसिंग कर दिया जाता है। उसमें क्या है, जनपद की कार्य योजना 24-25 की कार्य योजना बनाना थी, तो उसकी कार्य योजना पर चर्चा हुई, उसके बाद विभागों की समीक्षा हुई, मंडी सचिव भी गई थे, दूसरा फॉरेस्ट से कोई आया था, बाद में डिप्टी रेंजर आए थे, रेंजर साहब को आना था नहीं हमारा, और उसने हमने आज प्रस्ताव में लिया है उसकी योजना का आज का विवरण हम जिला CEO और कलेक्टर साहब को भेजेंगे। अभी सूचना मिली है कि सरेखो के दो अमृत सरोवर अत्यधिक पानी के बहाव से फूट गए हैं। निश्चित रूप से इसके लिए भी मैं टेक्निकल टीम और संबंधित ब्लॉक समन्वयक और संबंधित एजेंसी तीनों से चर्चा कर और तीनों को नोटिस जारी कर वस्तुस्थिति की जानकारी देने पश्चात।